पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से चार राज्यों के परिणाम आ चुके हैं और इनमें से तीन राज्यों में बीजेपी ने अपनी हैट्रिक लगा दी है। इसी के साथ देश भर में बीजेपी खेमे में खुशी और जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती इन नतीजों से चौंक गई हैं और चौंके भी क्यों ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर बसपा ने कई सपने सजा रखे थे, मगर चुनाव परिणाम आने के बाद वो सारे सपने धरे रह गए। तो माहौल ऐसा हो गया है कि मायावती बीजेपी की जीत हजम नहीं कर पा रही हैं, उल्टा इन नतीजों पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक लगातार मायावती ने चार ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में वो लिखती हैं, देश के चार राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, किंतु चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल। इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में वो लिखती हैं, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यमय मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी। लोगों की नफ्स पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए मायावती के इन बयानों से झलक रहा है कि वो नतीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हैं। अब जहां चुनाव से पहले बसपा की हवा थी, मायावती ने खुद अब तक की सबसे ज्यादा रैलियां एमपी और राजस्थान में की थी, उस मेहनत का कोई भी फल बसपा को नहीं मिल पाया। उल्टे भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग फीकी हो गई, इसलिए मायावती का गुस्सा अब इस तरह की बयानबाजी करके निकल रहा है। वैसे मायावती यही नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने दो और ट्वीट किए और अपने समर्थकों को निराश न होने और लगातार प्रयास करते रहने के लिए कहा। वो लिखती हैं, बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन व धन व दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आ गई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश भी कतई नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। इसके बाद मायावती अपने आखिरी ट्वीट में लिखती हैं, इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में है। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने की हिम्मत कभी नहीं हारेगा। आपको बता दें कि बसपा को चार राज्यों के चुनाव परिणाम में बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में पार्टी 3.40% वोट हासिल करने में सफल रही, लेकिन उसका खाता नहीं खुला। छत्तीसगढ़ में पार्टी को 2.0% वोट मिले और यहां भी बसपा का खाता नहीं खुला। कुछ हद तक राजस्थान में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, यहाँ पर पार्टी को 1.82% वोट शेयर के साथ दो सीटों पर जीत हासिल हुई है। अब देखते हैं कि इन ट्वीट के बाद मायावती का अगला कदम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।